हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फूडी अड्डा विद एनिमल लवर्स। सो आज मैंने एक वीडियो शूट किया है और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मैंने एक पपी को रेस्क्यू किया है। वो पपी उस पेड़ के यहाँ था वहाँ, और वो बारिश में बहुत भीग रहा था। सो अभी मैं फ़िलहाल गांव में हूँ, तो सोचा कि उसको एक ऐसी जगह दे जहाँ वो हमेशा के लिए रह पाए, और अभी उसका फॉरएवर होम है जब तक उसकी माँ ना मिल जाए, क्योंकि वो शायद उसकी माँ से बिछड़ गया है। सो इसलिए मैंने सोचा कि उसको एक टेम्पररी शेल्टर दिया जाए। अगर वो हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता है तो वो रह सकता है। सो आप वहाँ पे देख सकते हैं, सो दैट इज़ माई नानीज हाउस। ये मेरे नानी का घर है और वो एक स्टोर रूम टाइप है जहाँ वो रह सकता है। वो बारिश में भीगेगा भी नहीं और उसके लिए धूप में भी अच्छा है, वो रह पाएगा। और मैंने नानी को बता दिया है क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे हैं, फिर हम फिर से मुंबई चले जाएंगे, तो तब तक नानी उसे संभालेगी। और मैंने नानी को कहा है कि उसे दो टाइम के लिए दूध और रोटी दे देना, तो मैंने अभी उसके लिए दूध और रोटी लाई है, तो चलो उसको खिलाते हैं। सो आई शो यू वेर इज सी, ही इज योर। हाय पपी, हाउ आर यू? वेलकम। वो थोड़ा डरा हुआ है, तो चलो उसको खाना खिलाते हैं। टाइम टू ईट बॉबी, कम कम कम। ओके पपी, ओके आई विल कीप हिम हियर। सो सिट 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 सिट। आई नो यहाँ पे बहुत गंदगी है, बट तब तक के लिए ठीक है क्योंकि ये स्टोर रूम हमने साफ़ किया था, बट अभी बारिश की वजह से वो हवा पानी की वजह से पूरा ख़राब हो गया है। बट अभी तो साफ़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सिर्फ कल तक है यहाँ पे, सो वी डोंट हैव मच टाइम, बट श्योरली आई विल क्लीन इट अप। सो उसके लिए एक अच्छा घर हो जाएगा फॉर एवर। और वो बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं उसको, उसकी आँखें देखो, इज सो क्यूट, इज सो क्यूट। ओके सो मैंने उसके लिए रोटियाँ लाई है। सो मेरा कैमरा यहाँ पे रखती हूँ और मैं उसके लिए ये मैंने रोटी और दूध मिक्स करके ग्राइंडर में लाया है, क्योंकि अभी वो छोटा पपी है तो ज़्यादा बड़ा बड़ा खाना वो खा नहीं पाएगा, इसके लिए मैंने उसके लिए ये लाया है। सो और बहुत गर्म है, मैंने थोड़ा गर्म करके लाया क्योंकि अभी बहुत बारिश है, तो थोड़ा गर्म गर्म खाएगा तो उसके लिए भी अच्छा है। सो अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ बास्केट वगैरह नहीं है उसको कुछ देने के लिए। सॉरी, मैं फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए आई एम नॉट मच used to it, so please ignore that, but it's just it's for a good cause, so please. So yeah, so, देखो बहुत भूखा है वो। वैसे तो मैंने इसे कल रेस्क्यू किया था और मैंने इसे बिस्किट भी दिया था और दूध और रोटी भी दी थी, तो कल का उसका खाना तो हो गया था। और मैं रेस्क्यू शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बारिश चल रही थी, सो और मुझे क्लिक नहीं हुआ। सो मुझे ऐसा लगा कि शूट करने से अच्छा मैं पहले उसे हेल्प करूँ, तो इसलिए मैंने उसको हेल्प की। तो अभी थोड़ा बारिश बंद हो चुकी है, सो मैंने सोचा चलो शूट करते हैं। सो देखो वो कैसे खा रहा है, इज वेरी हंग्री। मैं कल ही मैंने उसको रेस्क्यू किया है कुछ चार पाँच बजे, तो मैंने तभी उसको बिस्किट भी दिए थे और रोटी और दूध भी दिया था। और अभी मैं सुबह आई हूँ, फिर से मैं शाम को भी आऊँगी उसे खाना देने के लिए। सो जब तक मैं हूँ तब तक मैं रोज़ आऊँगी, तो हम सिर्फ कल परसों तक है शायद, और इसलिए मैंने अभी उसको खाना दिया है, तो मैंने नानी को बताया है। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ, तो इसलिए नानी बोली कि ठीक है आप जब तुम चले जाओगी तो मैं रोज़ दूँगी। वैसे नानी अभी भी दे सकती है, बट अभी मैं हूँ तो इसलिए मैंने नानी को बोला आप मत दो, मैं हूँ, मैं रोज़ आऊँगी। उसे मिलती हूँ तो अच्छा लगता है। और मैं दिन में रोज़ दो तीन डॉग्स को तो वैसे खिला ही देती हूँ जितना मेरे मैं कर पाती हूँ, स्ट्रीट डॉग्स। एंड मैं जहाँ मुंबई में रहती हूँ वहाँ पर मैं 10 to 20 डॉग्स को खिला ही देती हूँ, हमारे घर एक्स्ट्रा खाना बनता है उनके लिए। सो क्या गाइस, सो अच्छा लगता है जब कोई भूखा जब पेट भर कर खाता है, ऐसा लगता है उन्होंने खा लिया मतलब मैंने खा लिया। सो क्या गाइस, गाइस थोड़ा डिफिकल्टी होता है मुझे व्लॉगिंग करने में क्योंकि मैं कभी कैमरा में देखती हूँ, कभी यहाँ देखती हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। जैसे जैसे मैं मेरी आदत हो जाएगी तो मैं अच्छे से व्लॉगिंग करना सीख जाऊँगी। जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड बिकॉज आई एम एट माई विलेज एट भंडारदरा, सो दिस इज जस्ट अ स्टोर रूम, सो इट लुक्स लाइक दिस, जस्ट इग्नोर दिस। बट कैन यू सी हिम, ही इज़ वेरी क्यूट। सो मैंने उसको प्लास्टिक में खाना दिया है और ये कपड़ा है टॉबल टाइप, सो उसको जितना खाना है उतना वो खाएगा और वो यहाँ पे सो सकता है। सोना ओके या गाइज, दिस वॉज द वीडियो ऑफ द पपीज़ रेस्क्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं ट्राई करूँगी ऐसे ही रेस्क्यू वीडियो शूट करने के लिए। मैंने पहले भी एक पपी को रेस्क्यू किया था
तो मैं उसकी स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी. वो दो दिन में मर गया था, बट वॉट एवर द रेस्क्यू वॉज, सो आई विल लेट यू नो अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो गाइज, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब गाइज. और मैं फूड वीडियोज़ और रेस्क्यू वीडियोज़ भी डालूंगी, और मैं ट्राई करूंगी कि मेरे लाइफ के कुछ व्लॉगिंग वीडियोज़ भी मैं डालूँ. सो लेट्स सी कैसा क्या होता है, बिकॉज एज दिस इज़ माई स्टार्ट, आई रियली डोंट नो हाउ टू डू सच थिंग. बट लाइक आई एम एन एनिमल लवर, सो आई ट्राई टू पुट मोर वीडियोज़ ऑन एनिमल रेस्क्यू एंड फूड. सो ठीक है, चलो मिलते हैं. बाय बाय.